हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ताकि जो हमारे कलीग्स इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं, जब वो इस वीडियो को देखें तो वो भी अपना काउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये रीड थ्री अकाउंट जो है उसका क्लास कोड जो है हमारे पास है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और मैं जो हूँ इसको चैट बॉक्स में भी टाइप कर देती हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। ये सारे आपके कैपिटल हैं, ठीक है, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, आप लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही, वेट लेट मी एक मिनट, यहाँ पे तो स्क्रीन का ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है शो का, वेट लेट मी डू इट अगेन। अब देखिए बेटा, अब हो रही है? यस मैम अब हो रही है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। तो ये रहा आपका रीड थ्री अकाउंट जो आप बनाएंगे, ठीक है, उसका क्लास कोड है, आप उसका इसका स्क्रीनशॉट ले लें भले, इसको मैंने चैट बॉक्स में भी जो है वो सेंड कर दिया है, और जब क्या कहते हैं, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आप मेरे साथ हैं ना सभी, आपने सबसे पहले जो है वो गूगल पे, सबसे पहले जो अब आपने क्या करना है, गूगल जो है ठीक है, इसका न्यू टैब ओपन करके अब आपने सर्च बार में क्या टाइप करना है, greedtheory.org, ठीक है, ये आपने टाइप कर दिया सर्च बार में। उसके बाद जो है वो आपने इस लिंक पे जाना है, रीड थ्योरी साइनअप, ठीक है, आप रीड थ्योरी साइनअप पर गए तो आपके पास एक इस तरह का वेब पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो अब आपने अपना अकाउंट बनाना है, तो अब आप सबसे पहले बिकॉज यू आर स्टूडेंट, ठीक है, आप लर्निंग पर्पज के लिए, प्रैक्टिस पर्पज के लिए जो है वो यूज करेंगे, तो आपने स्टूडेंट जो है वो क्लिक करना है, वो चूज करना है, ठीक है। अगर मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर को चूज करूंगी। तो यहाँ पे अब आपने अपना नेम लिखना है, यूजर नेम जो होगा आपका वो आपने याद रखना है, अपना यूजर नेम, ठीक है, भूलना नहीं है। इसी तरह से आपने फिर अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे सेट करना है, पासवर्ड भी आप कहीं पे अपना लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। और इसी तरह से आपने अपनी एज जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, और क्लास कोड जो है ना जो अभी मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है तो वो आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। फिर जब आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी एक कोर्स जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, आप उसमें ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। ये रहा आप, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, एज अ टीचर। तो मैंने आप लोगों का ये जो है कोर्स आपका ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ME इंग्लिश बैच 15, ठीक है, और इस वक्त मेरे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो जीरो हैं, और जब आप इनरोल करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, आपके नेम्स भी आ जाएंगे, और आप कितना हर रोज प्रोग्रेस करते हैं रीड थ्योरी पर, आप कितने ज्यादा जो है वो एक्टिविटीज को अटेम्प्ट करते हैं, उन सबका प्रोग्रेस मेरे पास आपका आएगा एक ग्राफ की सूरत में, और सबका एक साथ आएगा कि कौन कितना ज्यादा एक्सीड कर रहा है, कौन कितना ज्यादा जो है एक्सेल कर रहा है। तो मैं चाहूंगी अभी आप बनाइए रीड थ्योरी अकाउंट ताकि मुझे नजर आए आपके नेम्स यहाँ पे। अगर आपको समझ नहीं आया प्रोसेस तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, आपने सबसे समझ पहले में आ गया है, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है गूगल खोलना है, वहां पे आपने रीड थ्योरी को टाइप करना है, उसके बाद जब आपके पास रीड थ्योरी साइन अप वाली वो जो लिंक होगी उस पे जाके आपने क्लिक करना है, एंड देन आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। स्टार गेम्स लवर कौन है आप, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, और ये क्या है, मुझे लगता है कि आपने मीटिंग को बीच में ज्वाइन किया है तभी आप नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है इस वक्त। प्लीज आप अपना नेम जो है ना वो ऑथेंटिक यूज किया करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। एम आई ऑडिबल? यस मैम।
चलें आप फिर जो है वो बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें फिर मुझे ना क्लास प्रोग्रेस जो है वो नज़र आएगा आपका इस तरह से, लेकिन फिलहाल जो है आप में से कोई इनरोल है नहीं इसमें, तो एक मिनट गलत पेज खुल गया। चलें आप इनरोल कर लीजिएगा, ये चीज़ मैं बाद में देख लूँगी आप सब की, ठीक है। और स्टार गेम्स लवर मैम, मेरा नाम नोमान है, तो प्लीज़ आप अपना ऑथेंटिक नेम यूज़ करें नोमान। हमें क्लास कोड में क्या डालना है बच्चे? यहाँ पे जो क्लास कोड मैंने दिया हुआ है ना, आप चैट बॉक्स पे देखें और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ। दैट इज कैपिटल H, कैपिटल S, कैपिटल F, कैपिटल A, 7, कैपिटल डबल A एंड देन 8। कोई स्पेस नहीं है, सब कैपिटल है, ठीक है। ये आप क्लास कोड टाइप कर सकते हैं। और कुरतुलन बच्चे ये मैंने चैट बॉक्स में ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आप रेड थ्योरी अकाउंट जो है वो अपना इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। वेलकम बच्चे। अच्छा अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने आज के नए टॉपिक की तरफ। आपके जो है वो ओवरऑल मेरे पास जो आए थे टोटल 6 टॉपिक्स आए थे, जिसमें से कल हमने एक कवर कर लिया और आज जो है अब हम वो करने वाले हैं क्या, सिनोनिम एंटोनिम्स को हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली आई विल ट्राई कि ईद से पहले जो है वो आपके 3 टॉपिक्स जो है वो 4 टॉपिक्स कवर हो जाएं, और फिर ईद के बाद आके हम 2 टॉपिक जो रिमेनिंग होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। एंड देन फिर आपकी जो एक कम्युलेटिव असेसमेंट होगी, मतलब कि आपकी ओवरऑल जो टेस्ट होगी सब टॉपिक्स से, फिर एक वो भी ले ली जाए। बिकॉज 30th को अगर आपका मूक टेस्ट है तो आपके पास इनफ टाइम होना चाहिए कि आप सब चीज़ों को थोड़ा सा इंटरनलाइज कर सकें और फिर आप एक अच्छे से अपनी मूक टेस्ट दे सकें, ठीक है। तो जी मैम रेड थ्योरी का तो हमारा पहले, रीड थ्योरी का तो पहले हमारा अकाउंट बना हुआ है ना जी। तो अब ये मैं चाह रही हूँ जी जी बच्चे मैम, तो दोबारा इसे मतलब जो आपने कोड दिया ये कैसे लगेगा उसमें? आप वही जो है ना, आपके पास एक ऑप्शन आएगा इनरोल न्यू क्लास, ठीक है, वहां पे आप जो है वो इस कोड को ना कर सकते हैं इस्तेमाल, और फिर जो है आप इस कोड को डालेंगे जो स्लॉट होगा बना हुआ होगा, एंड देन आप नए कोर्स में इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। अली हसन बच्चे कोड एक बार रिपीट कर देना। कोड बच्चे ये रहा, आप चैट में से फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर से एक और दफा, तीसरी दफा जो है वो इसको सेंड कर दूं, ठीक है। ये रहा कोड, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। आई वांट यू ऑल कि आप प्लीज कोड मैंने अभी फिर से भेजा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अली हसनैन बच्चे कल का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, मैंने सर आसिफ को भी भेज दिया है, जब उन्हें थोड़ा टाइम मिलेगा तो वो जो है आपको जो है भेज देंगे लिंक, ठीक है। बिल्कुल हुआ है। अच्छा जी, तो आज का चलें अब नए टॉपिक की तरफ चलें। अब सबकी क्वेरीज हो गई, चलें जी। तो अब हम करते हैं, इस चीज का कोड था बच्चे ये आपकी रीड थ्योरी का अकाउंट जो है वो जो हम सब ने क्या कहते हैं ना, एक कोर्स जो है रीड थ्योरी का, मैंने आप रीड थ्योरी पर मैंने आप लोगों का बनाया हुआ है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं अपने आप को इस कोड के जरिए, ठीक है। अगर आपने अभी क्लास ज्वाइन की है तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। अभी जो है वो हम नया टॉपिक इस्तेमाल करने शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है निकिता। चलिए जी, अब जो हम करते हैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट, दैट इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी, ठीक है। अच्छा ये बात एक अंडरस्टूड है कि जब हम वोकैबुलरी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है वी आर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वी आर रिफरिंग टू सिनोनिम एंटोनिम एंड देन पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये बात आप है ना, अगर जहाँ जहाँ कहीं पे भी अगर आज मैं लेक्चर में वोकैबुलरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट सिनोनिम एंटोनिम्स, राइट। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा
आपको पता है कि वोकेबलरी में भी आज हम इन्हीं सिनोनिम एंड एंटोनिम को डिस्कस करेंगे और ये बेसिकली हमें थोड़े से ट्रिकी लगते हैं, ठीक है। जब हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हम सिमिलर वर्ड्स की बात कर रहे होते हैं, और इसी तरह जब हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसमें हम अपोजिट वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अ सिनोनिम इज अ वर्ड व्हिच हैज द एग्जैक्ट सेम मीनिंग और अ वेरी सिमिलर मीनिंग टू एन अदर वर्ड। और इसी तरह एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट हैज द अपोजिट मीनिंग ऑफ एन अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्मॉल मीन्स ऑफ लिमिटेड साइज व्हाइल बिग मीन्स ऑफ लार्ज साइज, ठीक है। कि स्मॉल जो है वो छोटा होता है और बिग जो है वो लार्ज साइज होता है, सो इट इज वेरी अंडरस्टूड, इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, अब मुझे आप बताइए थोड़े से, आपके लिए मैंने आपके वोकैबुलरी को चेक करने के लिए कुछ जो है वो एमसीक्यूज रखे। अब आप मुझे बताइए कि choose the correct synonym of the given word. implicate का correct synonym in options में एक में छुपा हुआ है और आपने बताना है। आप चाहें तो चैट बॉक्स में टाइप कर दें, इट इज ओके। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप जो है वो अपना कोई भी वाइल्ड गेस जो है वो कर लें, ठीक है, एंड आप टाइप कर सकते हैं उसको चैट बॉक्स में, कोई मसला नहीं है इवन इफ इट इज रॉन्ग। वसीम खान सी, और दूसरे बच्चे मुस्कान कुमारी सी, अली हसनैन डी टू इंसर्ट, चले अ डिफरेंट ऑप्शन अ डिफरेंट आंसर। माँ हमने भी सी कहा है और अब्दुल्ला जमाली ने भी, शोएब ने भी, सैयद अर्श ने ए कहा है, सना सी, सुरतलैन सी, सना प्यास सी। और अब मैं बताऊँ कि कौन सा इसका राइट आंसर है। द राइट आंसर इज बी, और बी किसी ने भी नहीं कहा। ए के भी, ए को भी चूज किया है एक दो लोगों ने, सी जो है उसको बहुत सारे लोगों ने चूज किया, एंड बी को भी किया है। मैम मैंने बी किया था। अच्छा कौन बात कर रही हैं आप? जरिया। अच्छा जरियाब, हो सकता है मुझसे आपका जो टेक्स्ट है ना वो मिस हो गया, सॉरी। चलिए सिर्फ जरियाब ने बीच में इम्प्लिकेट की मीनिंग बताइएगा जी। इम्प्लिकेट मतलब किसी चीज की मीनिंग इन्वॉल्व करना, ठीक है, किसी चीज को इन्वॉल्व करना, इस्तेमाल करना, किसी के ऊपर जो है मुसल्लत करना, लगाना, इम्प्लिकेट वो होता है, ठीक है। खैर अली हसनैन, दुखता भी नहीं लगता मैम। शोएब अहमद ने भी कहा था, चलिए ठीक है ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, इट्स ओके इट्स ओके, अगर गलत भी बता दें तो। अच्छा, व्हाट इज द करेक्ट एंटोनियम्स एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड? फैसिलिटेट, नंबर ए फर्दर, बी इम्पेड, सी एक्सपिएट, एंड डी असिस्ट। फैसिलिटेट का एंटोनियम बताएं आप। अच्छा देखिए, आपने गूगल नहीं करना, ठीक है, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब कोई भी फाइल कैसे? मैम सी है। सी, और दूसरे लोग, दूसरे लोग क्या कहते हैं? मैम ए होगा। ए होगा, ए वाला कौन है ये? मुस्कान कुमारी बी, निकिता बी, वसीम खान डी, शोएब अहमद ए, चलें जी अब अली हसनैन बी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। फैसिलिटेट का मतलब होता है आप किसी को हेल्प कर रहे होते हो, ठीक है, असिस्ट करते हो। तो यहाँ पे इसका जो फैसिलिटेट का सिनोनिम अगर हम बताएं ना तो वो डी हो सकता है, असिस्ट। लेकिन इम्पेड का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो हो रही है, हम उसको रोक रहे हैं, ठीक है। इम्पेड का मतलब होता है रोकना, रुकावट। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा बी, ठीक है मैम। और फैसिलिटेट की मीनिंग क्या है? फैसिलिटेट मतलब कि किसी, आप इसको सिंपल लफ्जों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप जुमले में इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी सहूलतें फराहम की जा रही होती हैं। सहूलत मतलब कि आपको आसानी, आपकी हेल्प की जा रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास कैलस वर्ड और उसका हमने एंटोनियम बताना है। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट, ऑप्शन बी हार्डेंड, ऑप्शन सी सेंसिटिव, ऑप्शन डी सॉफ्ट।
कुरतुलैन और माहम ने सी का नहीं सॉरी माहम ने डी कहा है, कुरतुलैन ने सी, फिर निकिता ने डी, अथर बी, वसीम खान सी, मुस्कान डी, अर्श डी, अली हसनैन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी. टेलस का मतलब होता है क्रूल होना, ठीक है, सख्त होना, जालिम होना, और फिर सॉफ्ट जो है वो उसका अपोजिट होता है. तो सॉफ्ट डी इज द राइट ऑप्शन. अथर बच्चे यहाँ पे सिनोनिम नहीं पूछा गया, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया, ठीक है. अब उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वर्बोज. ऑप्शन ए टाकेटिव, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी इफर्टलेस एंड ऑप्शन डी रैंडम. बताएं जी. निकिता, जरियाब, कुरतलैन, तीनों ने ए बोला है. बहुत ए होगा मैम. बहुत जबरदस्त, ए बिल्कुल. चलें जी, ए ही है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है. वर्बोज का मतलब होता है कोई एक चीज जिसको हम बहुत ज्यादा लफ्जों में, मतलब बहुत ज्यादा लफ्जों का इस्तेमाल, आप ऐसे समझ सकते हैं, कह सकते हैं. तो जो टाकेटिव होता है वो बेसिकली क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला, ठीक है. तो इसका जो है वो सिनोनिम होगा टॉकेटिव. फिर अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कार्डिनल, ठीक है. नंबर ए ऑप्शन स्टार, बी डिवाइन, सी चैंपियन, डी बेसिक. अर्श सी, चैंपियन. वसीम बी, मुस्कान सी, जरियाब सी, शोएब अहमद बी, स्टार गेम्स लवर बी. प्लीज आप अपना नाम चेंज कर लें नुमान. और अब तक करेक्ट ऑप्शन किसी ने भी नहीं दिया एंड दैट इज डी. डी होगा मैम. बी कार्डिनल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है, बुनियादी. अब सबने डी दे रहे हैं, अब सब डी दे रहे हैं जो पता चल गया. पूरा तो लैंड डी, माहम डी, रफीक अहमद डी. चलें जी, अब ये लास्ट एंटोनिम हमारे पास है कि डिस्टिल जो है उसका एंटोनिम बताएं. ओ ठीक है, पूरा तो लैंड मैंने अच्छे से नहीं. Choose the correct antonym of the given word. Distill. Antonym बताना है. अच्छा आप ये भी देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, synonym पूछा जा रहा है antonym में. देख लूँ कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो लफ्स को देखते हैं और फिर उनका synonym अक्सर जो है ना वो बता रहे हैं. तो आपने सबसे पहले ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करनी है कि synonym पूछा जा रहा है antonym, ठीक है. कुरतुल एन ए, सरियाब अली ए, मतलब होता है हम किसी चीज का मतलब अलग निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना. तो इसका मतलब है कि इसका जो सिनोनिम हो सकता है वो एक्सट्रैक्ट होना हो सकता है. लेकिन डाइल्यूट का मतलब होता है कि हम किसी चीज को मिलाते हैं, उसको किसी चीज के अंदर लाइक आप भिगो देते हो. तो डाइल्यूट आप बिल्कुल उसको मिक्स कर देते हो, ठीक है. तो इसका जो एंटोनिम होगा वो डाइल्यूट होगा. अच्छा, तो नीचे जो है वो एक लिंक भी दी गई है, ठीक है. तो यहाँ पे आप बहुत सारे क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वोकैबुलरी और बहुत सारे इसमें जो है ना देखते हैं इंग्लिश के एस्पेक्ट्स से, टॉपिक से क्विजेज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है. जब मैं आपको ये भेजूंगी, जब मैं इसको आपके पास भेज दूंगी, तो आप जो हैं वो इस लिंक को इस्तेमाल करके क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं. डिस्टिल मीन्स प्योर भी हो सकता है ना मैम जी. बिल्कुल, डिस्टिल जो है वो प्योर भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टिल में हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसको निकाल रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि उसको प्योरीफाई करना भी होता है, ठीक है. जी जी, मैं आपको बिल्कुल ये PDF भेज दूंगी. अच्छा, ये तो बेसिकली आपकी सिंपल वोकैबुलरी टेस्ट करने के लिए मैंने रखी थी, ठीक है. अब हम चलते हैं. अच्छा देखिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास जो है वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए. देयर इज़ नो डाउट कि कॉन्सेप्ट के बगैर तो आप पेपर को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते. लेकिन जब आती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको क्विक रिस्पॉन्स देने होता है, ठीक है. तो वहाँ पर ना आपको कुछ स्ट्रेटेजीज मालूम होनी चाहिए, कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है.
पेपर को सॉल्व करने की, कि किस तरह से कम टाइम में आप बगैर ज्यादा सोचे समझे और बगैर ज्यादा टाइम लगाए बगैर आप पेपर को अच्छे से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हर कोई आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है, समझाता है, लेकिन कोई आपको पेपर को सॉल्व करने की जो है वो ट्रिक नहीं बताता, ठीक है। तो अथर दिखते हैं मैम, एंटोनिम्स रिमेम्बर कैसे करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी बात आप समझ लें, बल्कि अपने पल्ले से मांग लें कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कभी भी याद नहीं किए जाते, ठीक है, वो रट्टा हो जाते हैं। सिनोनिम और एंटोनिम हमेशा लर्न किए जाते हैं, ठीक है। सिनोनिम और एंटोनिम, अच्छा चले आप जो है वो अभी क्या कहते हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल, आप ये बिल्कुल भी एक अच्छा तरीका नहीं होता कि आपने सिनोनिम और एंटोनिम जो है उनको अगर सीखना है तो आपने बुक उठाई और वहां से ना सिनोनिम और एंटोनिम्स को आपने रटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका नहीं होता, इससे क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ चीजों को रट रहे होंगे, उनको समझ नहीं रहे होंगे, और हु नोज कि वो आपको देर पा याद रहेंगे, ठीक है। जब आप रटेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप उसको बहुत ही जल्दी भूल जाएं, और हु नोज कि जो आपने 400 सिनोनिम ये एंटोनिम्स या वर्ड्स आपने वोकैबुलरी जो आपने बुक में से रटी है, मतलब चांसेस हैं कि उनमें से कोई एक भी वर्ड जो है वो आपके पेपर में ना आए, यू नो। तो ये चीज आपके काम नहीं करती। तो बजाय इसके कि आप सिनोनिम और एंटोनिम को याद करें, उनको रटें, आप सिनोनिम और एंटोनिम को लर्न करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड है, अब मैंने उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड किया है, वो मैंने उसको लर्न किया है बजाय उसको रटने के। जब मैंने उसको लर्न कर लिया है ना उस वर्ड को, तो मैं उसका सिनोनिम भी बता सकती हूँ, मैं उसका एंटोनिम भी बता सकती हूँ। मुझे पता है कि ब्यूटीफुल जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है खूबसूरत होना। अब मैं उसके साथ, अब जब मैं उसके सिनोनिम जो बताऊंगी तो आई कैन टेल वेरी इजली के ना प्रिटी, गॉर्जियस आई कैन यूज एज अ सिनोनिम, ठीक है। और इसी तरह से फिर मैं उसके एंटोनिम्स भी बता सकती हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो है वो लफ्जों को समझें, ठीक है। रट्टा जो है दैट इज नॉट अ ट्रिक, रट्टा बिल्कुल भी ट्रिक नहीं होता, बल्कि बेहतर है कि आप लफ्जों को समझें, ठीक है। अब लफ्जों को आप किस तरह से समझेंगे, लफ्जों को अब आप किस तरह से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये चीज जो है समझनी है कि आपके पास जो सिनोनिम और एंटोनिम है, अच्छा अभी जो है वो प्लीज आप लोग यहाँ पे चैट पे थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि जिसके जरिए आप सिनोनिम एंटोनिम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज आप बजाय इसके कीबोर्ड पे ज्यादा ध्यान दें, तो आप प्लीज अब लेक्चर को सुने, ठीक है, उसके बाद हम क्वेरीज को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप वर्ड को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास सिनोनिम या एंटोनिम जो भी आपके पास आ रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली चार तरह के हो सकते हैं। या तो आपके पास नाउन आएंगे, या तो आपके पास एडजेक्टिव आएंगे, या तो आपके पास वर्ब आएंगे, या फिर आपके पास एडवर्ब आएंगे, ठीक है। इनसे मुतलिक ही आपसे सिनोनिम पूछे जा सकते हैं, इनसे मुतलिक ही आपसे एंटोनिम जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर मेरे पास एक नाउन जो है, ठीक है, तो आपने ये समझना है कि मेरे पास नाउन आया है सबसे पहले, या फिर एडजेक्टिव आया है, मेरे पास वर्ब आया है, एडवर्ब आया है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मेरे पास नाउन आया है ना, माय गॉड, अच्छा अगर मीटिंग जो है वो एंड हो जाए तो आप प्लीज वही वाली लिंक जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा, राइट, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास नाउन जो है उसका सिनोनिम या एंटोनिम मांगा गया है, तो मैं जो ऑप्शन चूज करूंगी ना, दैट टू मस्ट बी अ नाउन, मैं एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब उसको चूज नहीं कर सकती। इसी तरह अगर मुझसे जो वर्ड दिया गया है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और मुझे कहा गया है कि एडजेक्टिव का सिनोनिम फाइंड करें, तो मैं ऑप्शंस में से एडजेक्टिव को ही चूज करूंगी। एक नाउन कभी भी एडजेक्टिव का सिनोनिम नहीं हो सकता, इसी तरह एक वर्ब कभी भी एडवर्ब का सिनोनिम या एंटोनिम नहीं हो सकता। नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम हमेशा नाउन होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम या एंटोनिम अब हमेशा जो है वो एडजेक्टिव होगा, वर्ब का सिनोनिम एंटोनिम हमेशा वर्ब होगा, और इसी तरह एडवर्ब का सिनोनिम और एंटोनिम हमेशा वर्ब होगा, ठीक है। अब आपने जो है वो क्या करना है, इसी तरह से वर्ड्स को एलिमिनेट करके जो ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा, ठीक है। और हमारे पास जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं ना, हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बेसिकली सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं नाउन्स, हमसे पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा नाउन्स की सिनोनिम एंटोनिम्स,
उसके बाद हमसे पूछे जा सकते हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के सिनोनिम या एंटोनिम। सबसे कम हमारे पास जो पूछे जाते हैं वो वर्ब के, और फिर एडवर्ब के तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्ब की जो एंड होती है उसमें एल वाई लगता है। आपको पता होगा कि एडवर्ब जो होते हैं उनकी आखिर में हम एल वाई लगाते हैं, ठीक है। तो फिर ये बच्चों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है उनके सिनोनिम में एंटोनिम को आइडेंटिफाई करना। तो वो वही लफ्ज़ चूज करेंगे ऑप्शंस में से जिसके एंड में एल वाई लगा होगा। तो फिर तभी एक ये रीजन होता है कि एडवर्ब बच्चों को बहुत ही कम दिए जाते हैं, बिकॉज इनके सिनोनिम एंटोनिम आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं नाउन। क्यों? क्योंकि इसमें ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं और इनमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं एडजेक्टिव, और फिर आपके पास आते हैं वर्ब, एंड एडवर्ब आपके पास बहुत कम आते हैं। दिस इज अंडरस्टूड। आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सबने पढ़े हैं, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। नाउन आपको पता है कि नेम्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी सारी चीजें जो है ना वो नाउन में शामिल होती हैं। इसी तरह आपको पता है कि एडजेक्टिव जो है वो हमें क्वालिटी बताता है नाउन की। उसके बाद हमारे पास वर्ब जो है वो हमें क्या बताता है, कोई एक्शन बताता है। और इसी तरह एडवर्ब जो है वो हमें क्वालिटी ऑफ दैट एक्शन बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आई मूव स्लोली, ठीक है, तो मूव जो होगा वो मेरा वर्ब होगा और स्लोली जो है वो एडवर्ब होगा मेरा, ठीक है। और ये जो है वो वर्ब की क्वालिटी को शो कर रहा है कि आई एम मूविंग स्लोली, मतलब मैं स्लो, आई मूव स्लोली मतलब कि मैं स्लो मूव कर रही हूँ, ठीक है। कि आइदर मैं स्लो मूव कर रही हूँ, फास्ट मूव कर रही हूँ, तो स्लो जो है वो हमारा एडवर्ब है जो कि बता रहा है क्वालिटी, ठीक है। इज इट अंडरस्टूड? समझ आ गई सबको? यस मैम। सब लोग चैट में यस यस लिखते हैं जिसको समझ आ गया है, ताकि फिर हम आगे बढ़े। चलें जी, बहुत जबरदस्त, सबके रेस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। चलें जी, अब आपको पता कैसे चले कि आपका वर्ड जो है, आपको इसकी समझ कैसे हो कि आपका वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि नाउन जो होते हैं ना वो ऐसे लफ्ज होते हैं, आपने देखना है, ठीक है। अगर आपके पास एक लफ्ज दिया गया है और उसके एंड में उसकी जो उस लफ्ज का इख्तिताम जो है वो अगर इन लेटर्स पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एस आई ओ एन टी एच एम ई एन टी ई आर ओ आर टी वाई आर वाई डी ओ एम टी आई ओ एन एन ई डबल एस सी ई जी ई एस एच आई पी टी यू आर ई। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा प्रोसेस क्रिटिकल होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि नाउन वो लव्स होते हैं जिनका इख्तिताम जो है वो इन लेटर्स पर होता है, ठीक है। नाउन वो लव्स होते हैं जिनका इख्तिताम इन लेटर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल शन टी एच एम ई एन टी मेंट इल ओ आर टी वाई आर वाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी वे में जो हैं अपनी वो सिनोनिम एंटोनिम जो हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। शहबाज क्या रिपीट करूँ? फॉर एग्जाम्पल अब जो हमारे पास एट द खत्म हो रहा है वो वर्ड डिल्यूजन जो है, हमारे डिसल्यूजन जो है मतलब कि डिसएग्रीमेंट होता है इसकी मीनिंग। तो ये जो है हमारे पास खत्म हो रहा है एस आई ओ एन पे, ठीक है। इसी तरह टी एच ब्रेथ जो है वो टी एच पे खत्म होता है, ये भी नाउन है। एम्प्लॉयमेंट मेंट पे खत्म होता है, दिस टू इज अ नाउन। इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्रोफेशन आ जाते हैं, टीचर, डॉक्टर, एक्टर, ई आर या ओ आर पे खत्म होने वाले लफ्ज, ये सारे हमारे नाउन में आ जाते हैं। इसी तरह ऑनेस्टी, टी वाई और आर वाई पे खत्म होने वाले लफ्ज, ये भी हमारे नाउन में आ जाएंगे। तो आपने देखना है कि आपका आपको जो लफ्ज दिया गया है, ठीक है, जिसका सिनोनिम या एंटोनिम मांगा गया है, वो एंड किन पे हो रहा है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब, ठीक है। तो नाउन जो है वो ज्यादातर इसीलिए आते हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी होते हैं और उनमें वेराइटी जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। बहुत जी बिल्कुल, विड्थ, डार्कनेस, कंपेनियनशिप, लीडरशिप स्ट्रक्चर और स्टेशन, काइंडनेस, पॉवर्टी, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपका जो वर्ड है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। और इस तरह से फिर ऑप्शंस में से भी आपने वही लफ्ज जो है वो चूज करना है जिसका एंड इन में से किसी गिवन लेटर्स जो है उन पर हो रहा हो, ठीक है। ये चीज आपने सबसे पहले समझनी है, ये ट्रिक याद करनी है, ठीक है।
अब उसके बाद हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक लफ्ज दिया गया है एडजॉर्नमेंट, अब उसका मुझसे सिनोनियम मांगा गया है. एडजॉर्नमेंट इज सिनोनिमस टू डैश. अब सबसे पहले मुझे आप बताएं कि जो है वो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है. मैम डी हो सकता है. डी डी सॉरी बच्ची यहाँ पे मैंने जो है वो मिस्टेक है, मैंने मिस्टेक की है. चलिए आप ये करेंगे वाला. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड जो है डिसिमिनेशन ये क्या है. ठीक है बी नाउन है. ये आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, किसका माइक खुला हुआ है. हाँ मेरी साबरी मैसेज किया अरुज तुमने उस दिन का अल की थी पर जम जम आप माइक बंद करो. सॉरी मैम बी है शायद. बी है अच्छा चलें मैम. जब तक वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेंगे साइनोनियम. मैं आपको बताती हूँ ना. देखिए वोकैबुलरी जो है ना वो आपकी एक समंदर के मानंद होती है. ठीक है जैसे समुद्र के में पानी बेतहाशा होता है बेपनाह होता है तो इसी तरह वोकैबुलरी जो होती है ना वो भी आपकी एक समंदर के मानंद होती है. आप कभी भी इनफ वोकैबुलरी को नहीं लर्न कर सकते. ठीक है तो ये तो इम्पॉसिबल है कि पेपर में जो जो एक एक लफ्ज आए ठीक है या एक एक आप इंटरनेम मांगा जाए तो वो आपको आता हो. ठीक है आप अपनी वाइल्ड गेस यूज कर सकते हैं, आप अपना एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, उसके जरिए आप जो है वो ठीक ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं. लेकिन इट इज इम्पॉसिबल कि हम जो है वो हर एक वर्ड जो है वो लर्न करें. ठीक है तो ये बेसिकली कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम करेक्ट ऑप्शन को चूज करें सिनोनिम या एंटोनिम्स को अटेम्प्ट करते हुए. अच्छा अब यहाँ पे मैंने ना इसको ठीक कर लिया है. अब आप मुस्कान ये कह रही थी ना कि वोकैबुलरी सॉरी ये हमें वोकैबुलरी याद करनी पड़ती है. देखें अब सबसे पहले हमारे पास एडजॉर्नमेंट इज सिनोनिमस टू व्हाट. ठीक है हमारे पास जो लफ्ज दिया गया है वो एंड हो रहा है एम ई एन टी. ठीक है इसकी जो एंडिंग हो रही है वो एम ई एन टी पर हो रही है. और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो मतलब वर्ड गिवन है दैट इज नाउन, बिकॉज हमने देखा कि एम ई एन टी पर जो लफ्ज खत्म होते हैं वो नाउन होते हैं. ठीक है तो अब हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा ये जो वर्ड है दैट इज नाउन. ठीक है अब सबसे पहले हमारे पास अच्छा एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है. किसी चीज को रोकना जो है या फिर उसको मुलतवी करना. ठीक है उसको जो है वो हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, रोक देते हैं. ठीक है पोस्टपोन हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है. पोस्टपोन का भी यही मतलब होता है मतलब कि किसी चीज को मुलतवी कर देना. कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आज हमारे टेस्ट की डेट थी आज लेकिन फॉर सम reasons मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही तो मैंने उसको क्या किया मैंने उसको कल पे पोस्टपोन कर दिया. ठीक है ऐसा हम कह सकते हैं. इसी तरह सस्पेक्टिंग इसी तरह पॉज भी आ जाता है और आखिर में हमारे पास है इंटरप्शन. अब मैंने आपको बताया कि जो नाउन होगा ना उसका सिनोनियम या एंटोनियम हमेशा एक नाउन ही होगा.